वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और अब मूव करते हैं यार, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा सेल कॉम्बिनेशन का टॉपिक। तो जैसे आपने कैपेसिटर्स में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा, रेजिस्टेंस में सीरीज पैरेलल देखा, एग्जैक्टली वैसे ही हमारा सेल्स में भी सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे टू लूप की प्रॉब्लम्स होती थी ना, जो हमने किरचॉफ रूल में, जिनमें मैक्सिमम जो जेईई मेंस में या नीट में क्वेश्चन बनते हैं, उसमें दो लूप्स होते हैं, उनमें हमें करंट वगैरह निकालना होता है, उन प्रॉब्लम्स को हम सेल कॉम्बिनेशन से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो कल आपने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की थी, आपने दो दो इक्वेशंस बनाई थी, उसको सॉल्व किया था। आज आपको पता चलेगा कि उन प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं पहले सेल कॉम्बिनेशन। अब सेल कॉम्बिनेशन की जरूरत क्यों पड़ती है भाई? अगर आप कहीं पर किसी बैटरी से करंट ले रहे हैं, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि बैटरी से करंट बहुत कम आती है। अगर बैटरी से करंट बहुत कम आ रही है, उसके दो रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है कि आपकी बैटरी का EMF कम हो, या हो सकता है कि आपका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तो देखते हैं भाई कैसे इन प्रॉब्लम्स को रिमूव करते हैं। सबसे पहले आते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन पे, ठीक है। तो देखो क्या है मेरे पास, ये एक सेल हो गया, ये E और ये R, ठीक है। R इसका क्या हो गया? इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल के साथ हमेशा ऐसे आर शो करते हैं और इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को शो करता है। मैंने एक सेल ले लिया यहाँ पे E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R, एक और सेल ले लिया मैंने दिस E2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R1 दिस R2, ठीक है। एक और ले लेते हैं दिस E3 एंड दिस R3, ठीक है। इन सबको मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एक छोटी सी फिगर और ड्रॉ करते हैं कि अगर मेरे पास सिर्फ एक बैटरी है और सिर्फ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, एंड वी हैव ओनली वन रेजिस्टेंस R, दिस E, दिस R, दिस कैपिटल R, तो करंट कितनी होगी भाई इसकी? जो इसकी करंट होगी वो होगी भाई, ये आर और आर किस में आ गए? सीरीज में आ गए ना, तो करंट विल बी ई बाय आर प्लस आर, ये हमारी करंट हो जाएगी। जहाँ पे स्मॉल आर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस और कैपिटल आर क्या हो गया? पैरेलल में ऐड कर देना है। बहुत से बच्चे इसको पैरेलल बताने लग जाते हैं, तो इतना करंट इलेक्ट्रिसिटी पड़ चुके हो कि आप इसको पैरेलल नहीं बोलेंगे, सीरीज, क्योंकि जो करंट यहाँ से निकलेगी, करंट यहाँ से होती हुई सीधे इसमें जाएगी, और सीरीज की कंडीशन आपको पता है करंट सेम होती, तो नॉट इन पैरेलल देयर इन सीरीज। कुछ बच्चे बोलने लगते हैं सर ये पैरेलल में, मैं आपको क्लियर कर दूं, दे आर इन सीरीज। तो अभी मुझे क्या करना है, इस पूरे कॉम्बिनेशन को मुझे एक सिंगल बैटरी से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो भाई मैंने करंट बना दी आई यहां पे, तो करंट यहां भी आई होगी, करंट यहां भी आई होगी, करंट यहां भी आई होगी यहां। अब ऐसा बहुत से बच्चे बोलने लगते हैं कि सर यहां पे करंट ज्यादा हो जाएगी बैटरी से निकली। भाई चार्ज का जो फ्लो होता है ना पूरे लूप में सेम होता है, तो यहाँ भी करंट आई होगी, यहाँ भी करंट आई होगी, और ये जो आई है ये सबका इफेक्ट है। ये मत बोलना कि आई E1 की वजह से E2 या E3, ये सबका कंबाइंड इफेक्ट आई है, ठीक है। दिस करंट इज आई, तो मैं इसमें करंट निकालने की कोशिश करता हूँ। किरचॉफ रूल हमें पता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से चलते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट। तो पहले अभी जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, होता तो बैटरी के अंदर ही, बस शो उसको बाहर करते हैं। तो चलते हैं यहाँ से, तो ड्रॉप आएगा माइनस IR3, फिर बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव प्लस E3, फिर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट अक्रॉस द रेजिस्टेंस माइनस IR, देन प्लस E2, देन माइनस IR1, एंड देन प्लस E1, एंड दिस माइनस IR इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से आप I कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा I की वैल्यू कितनी आ रही है, दस E1 प्लस E2 प्लस E3 बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड प्लस R, ये हमारी करंट की वैल्यू आ गई, दस I। अगर इस करंट की वैल्यू को मैं इस एक्सप्रेशन से कंपेयर करूँ जहाँ पे एक सिंगल बैटरी होती थी, तो मुझे पता चलेगा कि अगर मैं इसको एक सिंगल बैटरी बना दूं, तो उस बैटरी का EMF जो वहाँ पे E था वो यहाँ पे E1 प्लस E2 प्लस E3 हो गया है, ठीक है। तो एक रिजल्ट हमारे पास ये आ गया है
कि जो EMF की वैल्यू है E, दिस इज E1 प्लस E2 प्लस E3, दिस इज नेट EMF, ठीक है। और यहाँ से कंपेयर करेंगे आप तो जो स्मॉल r की वैल्यू आएगी वो हमारी हो जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3, समझ गए आप। तो ये पूरा सिस्टम किसके इक्विवेलेंट है, ये एक सिंगल बैटरी के इक्विवेलेंट है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R1 प्लस R2 प्लस R3, जिसका EMF कितना है E1 प्लस E2 प्लस E3, ठीक है। अब इसमें एक केस और बन सकता है, वो केस ये है कि मैं यहाँ पे E2 को उल्टा कर दूँ, एक बैटरी को मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है, इसकी पोलरिटी मैंने रिवर्स मार दी। देखो पहले ऑर्डर था, मैंने ऑर्डर तोड़ दिया एंड दिस E2 और R2, तो क्या चेंज करेगा भाई, सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जब आप यहाँ से चलोगे तो अब आप पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे तो यू विल गेट माइनस E2, यहाँ पे यू विल गेट माइनस E2, और यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा, देख लेना सॉल्व करके। तो क्या पता चला कि अगर मैंने किसी बैटरी को उल्टा कर दिया है, सीक्वेंस को ब्रेक कर दिया है, तो उसके EMF को हमें क्या करना है, उसके EMF को हमें नेगेटिव कर देना है, बट रेजिस्टेंस में ऐसा नहीं करोगे आप, ये वैल्यू सेम आएगी। तो नो चेंज इन इंटरनल रेजिस्टेंस, सेम फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3, बट यहाँ पे जो EMF होगा इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे माइनस E2, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप, E1 माइनस E2 अगर हमने उल्टा किया और यहाँ पे कोई चेंज नहीं आता, ये हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3 ही रहता है। फिर नेक्स्ट हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो देखिए यहाँ पे दो सेल्स लिए मैंने, E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1, E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2 एंड देयर इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, ठीक है। वही कहानी मुझे फिर फॉलो करनी है, मैं इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट निकालूंगा, जो करंट का एक्सप्रेशन आएगा उस करंट के एक्सप्रेशन को मैं I = E/R + R से क्या करूंगा, उसको मैं कंपेयर करूंगा, ठीक है। तो मुझे पता चलेगा कि सिस्टम का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है और इसका EMF कितना है, ठीक है। तो किरचॉफ्स का क्वेश्चन होगा एक तरह से, ठीक है। तो आप एक काम करिए, आप वीडियो को पॉज करिए और पॉज करके इसको किरचॉफ से या नोडल एनालिसिस से जो भी आपने पढ़ा है ना, आप इसमें करंट निकालने की कोशिश करिए। मैं भी एग्जैक्टली वही करने वाला हूँ, पता है, मैं इसमें करंट निकालूंगा, फिर मैंने आपको बोला कि उस करंट को मैं E/R + R से कंपेयर कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप 5 मिनट डिवोट करिए और यहाँ पर रेजिस्टेंस में करंट निकालिए, देखिए कितनी आ रही है, फिर आप मेरे से क्रॉस चेक करिए, ठीक है। तो किरचॉफ में क्या करते हैं भाई, किरचॉफ में आपको पता है एक जंक्शन पकड़ते हैं, ठीक है, और उस जंक्शन पर क्या करते हैं, उस जंक्शन पर हम करंट बनाते हैं, ठीक है। तो ये जंक्शन ले लिया मैंने, ठीक है, और यहां पे मैंने आई करंट भेज दी, यहां से दिस करंट आई, इसमें जाने वाली करंट, मैंने आपको बोला था ना कि जब भी किसी रेजिस्टेंस में करंट निकालनी होती है तो वहां पे हमेशा उसको आप आई लिया करो, तो आपकी कैप्शन थोड़ी सी इजी रहेगी। इसको आई ले लिया मैंने और यहां पे मैंने भेज दिया I1, तो मैंने यहाँ पे I1 भेज दिया, तो यहाँ भी I1 होगी, ठीक है, और यहाँ पे जो करंट आएगी वो होगी I - I1, तो यहाँ भी होगी हमारी I - I1। दो अननोन है, मुझे दो लूप चाहिए, ठीक है। तो देखो भाई, एक लूप तो मैं बाहर वाला ले लूँगा ये, और एक लूप मैं ये वाला ले लूँगा, ठीक है। तो लूप से इक्वेशन चाहिए, तो एक लूप मैंने ये बाहर का ले लिया, देखो ये लूप, ठीक है। तो चलो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, मैं यहाँ से चलता हूँ, ठीक है, इधर चलता हूँ मैं, तो पहले यहाँ चलूँगा मैं, तो दिस करंट इज आई, तो ये आएगा -IR इन द डायरेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट अक्रॉस द रेजिस्टेंस -IR। सबसे बाहर का लूप ले रहा हूँ मैं, सबसे बाहर वाला, फिर मैं यहाँ से चला, यहाँ पहुँचा, फिर मैं इस पर पहुँचा, अगेन आई एम मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो -I1 R1 एंड +E1 = 0, ये नेगेटिव से पॉजिटिव है, फाइनली यहाँ पे आ गया, ये बन गया मेरा पहले लूप की इक्वेशन। अब मैं लूप ले रहा हूँ कौन सा, मैं ये लूप ले रहा हूँ
नीचे वाला, ठीक है, ये देखो ये वाला लूप नीचे आर को लेते हुए दिस लूप, ठीक है। तो चलते हैं भाई, यहाँ से लिख सकते हैं हम ईवन को क्या, चलो अच्छा बाद में बैरिकेड कर देंगे, या ईवन को हम लिख सकते हैं, नेगेटिव साइन हटा देते ना यार, प्लस, चलो अच्छा ऐसे रहने दो, बाद में देखते हैं इसको, ठीक है। इस लूप की फिर यहाँ से यहाँ चलते हैं, दिस माइनस आई आर, फिर यहाँ पे आ गए, दिस माइनस आई वन, दिस आर टू एंड प्लस ई टू इज इक्वल टू जीरो, ये बन गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अननोन मेरे पास कौन है, अननोन मेरे पास आई है, इसका मतलब मुझे आई वन को एलिमिनेट करना है, ठीक है, अननोन आई है, तो मैं इन दोनों इक्वेशन से, दो अननोन है बेसिकली आई एंड आई वन, मुझे इसमें करंट फाइंड करनी है, दिस आई, तो मैं आई वन को एलिमिनेट करूंगा, ऊपर से आई वन निकालूंगा मैं, और मुझे लग रहा है कि आई वन की वैल्यू आएगी E1 माइनस आई आर बाई आर वन फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, और इस I1 को मैं सेकंड में पुट कर दूंगा, तो दिस माइनस आई आर एंड माइनस आई, ये माइनस आई हो गया, प्लस आई वन हो गया, माइनस, अच्छा पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं यार, I माइनस आई वन कितना है, E1 माइनस आई आर बाई आर वन इंटू ये वाला आर टू एंड प्लस ई टू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से दिस माइनस आई आर माइनस आई प्लस माइनस आई आर टू, ये आर टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस ई वन आर टू बाई आर वन एंड आर टू से कर दिया, माइनस आई आर टू आ गया, माइनस आई आर टू एंड फिर आर टू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ई वन आर टू बाई आर वन माइनस आई आर आर टू बाई आर वन माइनस में एंड प्लस ई टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये वैल्यू आ गई, माइनस आई आर आर वन माइनस आई आर वन आर टू एंड माइनस ई वन आर टू प्लस आई आर आर टू प्लस ई टू आर वन जीरो, ठीक है। मैंने यहाँ से आर वन एल सी एम ले लिया, ठीक है, आर वन एल सी एम लेने के बाद ये वैल्यू आएगी, आई के टर्म एक साथ लिख लेते हैं, जहाँ जहाँ पे आई है, तो आई के टर्म एक साथ लिखने पे देखिए क्या आ रहा है, दिस आर आर टू माइनस आर वन आर टू माइनस आर आर वन इज इक्वल टू ई वन आर टू माइनस ई टू आर वन, ये वैल्यू आएगी हमारी। क्या आप एक साइन गड़बड़ी हुई, मैं वही चेक कर रहा था, ये हमारा क्या बैठेगा, ये हमारा साइन बैठेगा यहाँ पे प्लस, ये माइनस था ना यार, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वही सोच रहा हूँ क्या गड़बड़ी हुई, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और बाकी सारा सही है, तो दोबारा सही करते हैं, प्लस ई वन आर टू एंड दिस माइनस आई आर आर टू प्लस ई टू आर वन, ठीक है। तो आई के टर्म कॉमन लेते हैं, तो आई के टर्म कॉमन लेने पे क्या आएगा, दोबारा देखते हैं, दिस आर आर टू ये भी माइनस में आ गया, ये वैल्यू आ गई हमारी, और बाकी इन दोनों को इधर ले आते हैं, चेक कर लिए आप, इसको इधर ले गए तो ये हो जाएगा माइनस ई वन आर टू, इसको भी इधर ले गए तो दिस इज माइनस ई टू आर वन, ठीक है। फाइनल डिवाइड मारते हैं, देखो आई की वैल्यू क्या आ रही है, डिवाइड मारने पे जो आई की हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी
E1R2 प्लस E2R1 अपॉन में नीचे जाएगा, R कॉमन लेते हैं, दिस R1 प्लस R2 एंड प्लस R1R2। ठीक है, ये हमारी करंट की वैल्यू आ गई। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखना पड़ेगा, पता है, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखना है। देखते हैं कैसे एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट इस तरह से करना है ना कि एक्चुअली मुझे यार ये वैल्यू चाहिए, दिस इस, ये मुझे अकेला चाहिए ना। अकेला कैसे चाहिए? आई क्या होता है भाई? आई होता है E/R+R। क्यों, समझ रहे हो ना? अगर एक सिंगल बैटरी लगी होती जिसका EMF E था, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल R था, तो उसमें करंट E/R+R होती। अभी R के साथ कोफिशियंट आ रहा है R1+R2, ये कोफिशियंट मुझे यहाँ से हटाना है। ठीक है, इस कोफिशियंट को यहाँ से हटाना है। तो देखो मैं कैसे हटाऊंगा इसको। पहले उसको R1R2 से डिवाइड मारूंगा, समझे? मैं जब R1R2 से डिवाइड मारूंगा, फॉर्मूला देखने में भी थोड़ा वैसा लगना चाहिए ना, अच्छा सा जो मैं याद हो जाए। ठीक है, इसलिए मैं इसको R1R2 से डिवाइड मार रहा हूँ, जिससे एक अच्छी फॉर्म से बन जाएगी इसकी, जो मैं याद रहेगी इजिली। तो R1R2 से डिवाइड मार रहा है मेरे, तो कितना है E1R1 और प्लस ये कितना आ गया E2/R2 आ गया। यहाँ भी मैं R1R2 से डिवाइड मारूंगा तो ये तो 1 हो जाएगा। यहाँ R1R2 से डिवाइड मारूंगा तो R, और R1R2 से डिवाइड मारने पे ये वैल्यू कितनी आएगी हमारी? ये आएगी R1+R2/R1R2। ठीक है, अभी भी मेरा R अकेला नहीं हुआ है ना, इस R को मुझे अकेला करना था। तो आप डिफरेंट तरीके से कर सकते हो भाई। अब मैं इसको डिवाइड मार दूंगा E1 by R1 क्या कर रहा हूँ मैं, I = E1/R1+E2/R2। अब मैं इस पूरे से इसको डिवाइड मारूंगा, ये पता कितना लिखा हुआ है, इस पूरे से डिवाइड मारता हूँ इस एक्सप्रेशन को, तो R1+R2/R1R2 से डिवाइड मार दिया मैंने। कहाँ, समझ लो, किसको डिवाइड मारा मैंने, इस पूरे एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड मार दिया मैंने, और नीचे भी इसी से डिवाइड मार दिया मैंने सेम। तो ये इससे डिवाइड मारोगे ऊपर नीचे, तो ये क्या बचेगा बताओ? ये बचेगा R, समझ गया? मैं इससे ऊपर नीचे डिवाइड कर रहा हूँ, इसको पहले मैंने इससे डिवाइड मारा, मैं नीचे वाले को डिवाइड मार रहा हूँ, R अकेला हो गया और मेरा काम हो गया। प्लस 1/ में क्या बचा है? R1+R2/R1R2 ये बचा है। अभी भी थोड़ा देखने में सही नहीं लग रहा है ना, तो इसको थोड़ा सा और सही से लिखते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये जो वैल्यू आ रही है ना, इसको लिख सकते हो आप अलग करके, दिस E1/R1+E2/R2 अपॉन, ये वैल्यू आएगी 1/R1+1/R2। ये जो ये पूरी वैल्यू है, इसको मैंने ओपन कर दिया तो 1/R1+1/R2 इसको लिख सकता हूँ ना मैं यहाँ पे। और R प्लस 1/ इसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, इसको ऊपर ले जाते हैं, क्या बनेगा? ये बनेगा R1R2/R1+R2। ये हमारा बन गया फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला आ चुका है किसका? करंट का फॉर्मूला आ चुका है, दिस आई। अब अगर यहाँ पे एक बैटरी लगी होती है ना, अगर सिंगल बैटरी होती तो मेरी करंट कितनी आती वहाँ पे? करंट आती E/R+R, ये करंट आती सिंगल बैटरी में। ठीक है, इसको कंपेयर मारते हैं इसके साथ। तो ये जो वैल्यू है, ये EMF को शो कर रही है, याद करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा भाई। ये जो वैल्यू है, दिस इज E1/R1+E2/R2/1/R1+1/R2, ये क्या आ गया? ये इन सेल्स का क्या है? इक्विवेलेंट EMF, बहुत काम का फॉर्मूला है,
इसको हमें भूलना नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व होगा। फॉर्मूला है भी इजी, देखो बहुत मुश्किल फॉर्मूला नहीं है, थोड़ी क्वेश्चन इसकी लंबी थी बस। तो भाई ये आ गया, और अगर देखें स्मॉल आर के प्लेस में यहाँ पे वी हैव दिस, ठीक है। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना आ गया, दिस आर वन आर टू बाई आर वन प्लस आर टू। और आप देख रहे हो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है ना, इसको इन्वर्स मारते हैं, तो इन्वर्स मारने पे क्या आएगा, इन्वर्स मारने पे यू विल गेट वन बाई आर इज वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू। समझ गए? तो इसका मतलब कि जो बैटरी का नेट इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। देख लो आप, वही फॉर्मूला है ना, वन बाई आर इज वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू, ठीक है। तो ये क्या है, ये पूरी बैटरी का ओवरऑल इंटरनल रेजिस्टेंस है ना। रिजल्ट बहुत ईजी है, मैं बोल रहा हूँ रिजल्ट इतना अगला मुश्किल काम नहीं है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस तो पैरेलल के फॉर्मूले को फॉलो करेगा, और ई एम एफ भी थोड़ा सा एक हमारा इंटरसेक्शन फॉर्मूले की तरह आ गया। नहीं मैं ई वन ई टू को वन बाई आर वन वन बाई आर टू के रेशियो में डिवाइड कर रहा हूँ, क्यों ऐसे याद कर सकते ना, हमने कोऑर्डिनेट में फॉर्मूला पढ़ा है। हालांकि ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, आप इतनी तो आपकी इतना तो आप याद ही कर सकते हो कि ई वन बाई आर वन प्लस ई टू बाई आर टू अपॉन वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू, ये हमारा ई एम एफ का फॉर्मूला होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे तीन बैटरी होती, ठीक है, अब यहाँ पे केस देखते हैं कि अगर यहाँ पे दो और एक सेल और लगा होता, तीन सेल्स होते हैं, है ना, तो आपको आइडिया लग चुका होगा फॉर्मूले में क्या चेंजेस आएंगे। फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, नेट ई एम एफ का फॉर्मूला बनेगा ई वन बाई आर वन प्लस ई टू बाई आर टू प्लस ई थ्री बाई आर थ्री एंड अपॉन अपॉन वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री। और जो पूरे सीरीज का इंटरनल रेजिस्टेंस आता तीनों का, वो कितना होता, वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री, ये बनता हमारा फॉर्मूला अगर तीन बैटरी होती यहाँ पे। तो अब अगला पॉइंट देखो, अगर यहाँ पे किसी एक बैटरी की पोलरिटी उल्टी होती तो क्या होता, ठीक है, अगर किसी बैटरी की पोलरिटी इसमें उल्टी होती, जैसे मैंने दिस ई वन आर वन एंड दिस ई टू आर टू एंड दिस ई थ्री, सपोज को उल्टा लगा दिया मैंने ना, इसको मैंने उल्टा लगा दिया आर थ्री, हालांकि आर थ्री इधर बनाते हैं, बट चलो मैंने यहाँ बना दिया। नॉर्मली इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा नेगेटिव साइड में होता है, बट चलो मैंने यहाँ बना दिया। ऐसे होता अगर ये, और फिर आप इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो जो आपका ई एम एफ का फॉर्मूला निकल गया था वो पता कितना आता, वो आता ई वन बाई आर वन प्लस ई टू बाई आर टू एंड माइनस ई थ्री बाई आर थ्री अपॉन वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री, ये फॉर्मूला निकल गया था। समझे कहाँ पे चेंज आता, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चेंज आता, दिस सिर्फ यहाँ पे चेंज आता ई एम एफ में। तो ध्यान रखना, अगर एक बैटरी उल्टी लगी हुई तो उसके इंटरनल उसको सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, आई नहीं यार, ये इन सबका इफेक्टिव ई एम एफ होगा अगर आपने किसी एक बैटरी को इसमें उल्टा कर दिया तो। और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें, अगर यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा वैसे निकलेगा कैसे, वन बाई आर इज वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री, ठीक है। तो ऐसा आप निकाल सकते हो इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस को और उसको। अब ये किरचॉफ्स में बहुत यूज होता है, मैंने आपको बोला था, अभी मैं कराऊंगा आपको प्रॉब्लम्स, कि जब आपको दो लूप्स दिखेंगे है ना, तो उन प्रॉब्लम्स को सिंपली यू कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ सेल कॉम्बिनेशन। देखिए भाई एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम मतलब इसमें मुझे करंट फाइंड करनी, ठीक है, फाइंड करंट इन दिस ब्रांच, जो मिडिल ब्रांच है इसमें मुझे करंट फाइंड करनी है। और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है मुझे सेल्स के क्रॉस, मतलब बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, यहाँ यहाँ कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। अब देखो जेईई में नीट में मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि मोस्टली क्वेश्चंस मेंस में
दो लूप क्या आते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। दो लूप में कुछ कुछ कहानी ऐसी कर देता है कि वहीं पे बच्चों को प्रॉब्लम होने लगती है। एडवांस में जो क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे यू मे गेट थ्री लूप्स, कि तीन लूप्स बने हैं, है ना। तो देखो भाई, अगर दो लूप का क्वेश्चन है तो उसको हम नोडल से भी कर सकते हैं, किरचॉफ से भी कर सकते हैं और सेल कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे उसने मुझसे पूछा कि भाई इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करो, तो नोडल के चॉप से मैं इसको क्या करूँगा, मैं पूरा सॉल्व करूँगा, मैं करंट निकालूंगा पहले, ठीक है। इसमें करंट निकलेगी, इक्वेशन बनेगी और करंट निकाल के फिर मैं उसको आर से मल्टीप्लाई करूँगा, तो आई विल गेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, ठीक है। अभी मुझे दिख रहा है कि यार मैं इसको सेल कॉम्बिनेशन से ट्रीट कर सकता हूँ। सेल कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा है कि अगर दो सेल्स अपने पैरेलल में लगे हैं या तीन सेल्स पैरेलल में लगे हैं तो एक फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूले से यू कैन फाइंड इफेक्टिव ईएमएफ ऑफ द बैटरी, मतलब उस बैटरी का जो इफेक्टिव ईएमएफ होता है वो फाइंड कर सकते हो। इफेक्टिव ईएमएफ होता क्या है, जो टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं ईएमएफ। तो अब देखो, जैसे मुझसे बोला कि यार इसका ईएमएफ फाइंड करो, मतलब इसमें इन दो पॉइंट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, तो मैं कहूँगा यार ये तो बैटरी है, ये बैटरी का कॉम्बिनेशन है, एक बैटरी, दो बैटरी, तीसरी बैटरी यहाँ पे एक और है जिसका ईएमएफ मैं जीरो मान लूंगा, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला मुझे पता है, E1 by R1 plus E2 by R2, E2 इसका है नहीं, plus E3 by R3, the 6 by 1 upon 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by ये 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, ठीक है। This 2, 4, this 1, सॉल्व कर लो, 6, 6, 12, 12 by this, half plus 1 plus, this will be 4, 7 by 4, तो दिस इज 48 by 7, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, दिस वैल्यू इज 48 by 7, तो मुझे इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, ठीक है। और कौन हाई पे होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, ये प्लस है, माइनस है, प्लस, तो ये वाला एंड हाई पोटेंशियल पे होगा, तो बस सीधे मुझे इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। अब सपोज करो मुझसे करंट कहता कि यार ऐसा है इस ब्रांच में करंट बताओ, तो मुझे पता है कि मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई करके, इस पर बहुत टाइम लगेगा फॉर्मूले को अप्लाई करने में, ठीक है, आप कैलकुलेशन से बच जाओगे पूरी। फॉर्मूला अप्लाई किया, ईएमएफ आ गया 48 बाई 7, पोटेंशियल डिफरेंस 48 बाई 7 आ गया, तो मुझे पता है चाहे मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ, चाहे मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ, चाहे मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ, पोटेंशियल डिफरेंस 48 बाई 7 हुआ तीनों पैरेलल में। मालूम हो सकता है इसमें करंट बताओ, तो मैं क्या करता, मैं बोलता 48 बाई 7 को, जो कि इसका ईएमएफ है, उसको 4 से डिवाइड मार दूँ कि ये करंट आ गई इस ब्रांच में, ठीक है। कि तो भाई इस ब्रांच में कितनी करंट होगी, तो मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ जाने पे जो पोटेंशियल का इंक्रीज आएगा दैट विल बी 48 बाई 7, तो मैं यहाँ से चलता और मैं एज्यूम कर लेता करंट इस तरफ है, तो मैं लिखता माइनस 2y, मैंने करंट को एज्यूम कर लिया, तो यहाँ से आ जाने में माइनस 2y, पहले डिक्रीज आया देन 12 का इंक्रीज आया, इसको आई विल मेक 48 बाई 7 इक्वल टू 48 बाई 7, यहाँ से मुझे आई मिल जाएगा। कोई तो भाई इसमें बताओ कितनी करंट है, तो मैं एज्यूम कर लेता कि करंट इसमें आई डैश है यहाँ से यहाँ, तो पहले इसमें आई माइनस आई आर आई डैश का ड्रॉप आता, फिर 6 का इंक्रीज आता एंड दिस इक्वल टू 48 बाई 7, यहाँ से यू कैन फाइंड आई डैश, ठीक है। तो अगर आपको समय बचाना है, देखो वैसे मोर और लेस सब में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बट एक बार आप इसमें एक्सपर्ट हो गए तो ये गलती होने के चांस भी कम है, इक्वेशंस नहीं बनती हैं, ठीक है, गलती होने के चांसेस कम है और आप इजिली आंसर फाइंड कर सकते हो। तो जो भी आपको किरचॉफ्स की क्वेश्चन किए हैं आपने, जहाँ पर दो लूप थे, उन क्वेश्चन को एक बार सेल कॉम्बिनेशन मेथड से भी सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। मैं एक दो क्वेश्चन और करा रहा हूँ आपको, देखिए देखते हैं भाई, एक क्वेश्चन हमारे साथ और है ना, ये सारा आपको दिख रहा है 2 volt 1 ohm 1 volt 3 ohm 4 volt 3 ohm, इसमें मुझे तीनों ब्रांचेस में करंट निकालनी है, ठीक है। तो आप भी एक बार सेल कॉम्बिनेशन यूज़ करिए, मुझे तीनों सेल्स दिख रहे हैं पैरेलल में, है ना, मुझे इनमें तीनों ब्रांचेस में करंट निकालनी है, तो पहले मैं इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालूंगा कि ये पूरी बैटरी किसके इक्विवेलेंट काम कर रही है, ठीक है। तो वो जो आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो ई वन बाई आर वन प्लस ई टू बाई आर टू प्लस ई थ्री बाई आर थ्री अपॉन वाला, तो वो आपको इन दो पॉइंट्स के बीच का क्या देता है, पोटेंशियल डिफरेंस देता है, ठीक है। तो मुझे करंट निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा पता है, पहले मैं इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा, फिर
इस ब्रांच में मैं यहां से यहां मूव करूंगा, माइनस आई आर प्लस दिस इज इक्वल टू जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आया मुझे आई मिल जाएगा, फिर मैं वही काम यहां करूंगा, फिर वही काम यहां करूंगा। ठीक है, तो देखो भाई सबसे पहला काम है कि मुझे यहां से पूरी क्या फाइंड करनी है, आई हैव टू फाइंड ई एम एफ ई वन बाई आर वन, तो टू बाई वन प्लस ई टू बाई आर टू वन बाई थ्री प्लस ई थ्री बाई आर थ्री फोर बाई थ्री अपॉन वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री। ठीक है, ये टू हो गया हमारा, तो शायद ये सॉल्व होकर कितना आएगा, दिस सिक्स प्लस फाइव बाई थ्री अपॉन फाइव बाई थ्री, तो दिस इज इलेवन बाई फाइव। ये फॉर्मूला यूज करके मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, और ये सारे ऐसे प्लस है, मैंने इसको हाई ले रखा है, तो यहां से यहां जाने में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दैट विल बी 11 बाई 5। चेक कर लेना, हो सकता है मेरी कैप्शन गलत हो। ठीक है, समझ लग रहा है मैंने सही किया है, 6 प्लस 5 11 बाई 3 एंड 3 प्लस 2 5 बाई 3 11 बाई 5। आंसर मेरे पास है, मैं आपको वेरीफाई करके बता दूंगा। तो यहां से आ जाने में 11 बाई 5 का इंक्रीज आएगा, यहां से आ जाने में 11 बाई 5 का इंक्रीज आएगा, यहां से आ जाने में 11 बाई 5 का इंक्रीज आएगा, क्योंकि सारे के सारे क्या है पैरेलल में। चलो यहां से चलते हैं, मैंने करंट अज्यूम कर ली इसमें आई वन, तो माइनस आई आर वन प्लस टू इज इक्वल टू 11 बाई 5। ठीक है, तो अगर मैं यहां से आई वन की वैल्यू निकालूंगा, तो आई वन इज इक्वल टू 2 माइनस 11 बाई 5, और जो हमारा आई वन की वैल्यू आएगी 2113 4, अच्छा ये मैंने 3 ले लिया, चलो भाई तो आई वन की जो वैल्यू आएगी दिस विल बी माइनस 1 बाई 5। खैर जो मैंने क्वेश्चन लिया था यार वहाँ से थोड़ा डेटा गलत लिख दिया है, मैं अभी वेरीफाई नहीं कर पा रहा हूँ इसको, बट ये थोड़ा चेंज हो चुका है, दिस इज माइनस 1 बाई 5, ये करंट आ गई, समझ गया आप। तो ऐसे आप हर ब्रांच में करंट निकाल सकते हो, जैसे मुझे यहाँ करंट निकालनी है इन दिस ब्रांच, ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे करंट निकालनी है तो मैं यहाँ से यहाँ चलूँगा, मैं करंट को अज्यूम कर लूँगा आई टू, तो माइनस आई आर, तो दिस इज माइनस 3 आई टू प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 11 बाई 5, तो यहाँ से 3 आई टू इज 1 माइनस 11 बाई 5 एंड 3 आई टू इज माइनस 6 बाई 5, आई टू इज माइनस 6 बाई 15। ठीक है, ही आपकी करंट की वैल्यू आ गई। एंड सिमिलरली अगर मुझे थर्ड वाले में निकालना है, मतलब मेरी डायरेक्शन अपोजिट आ रही है, तो क्या होगा, फिर यहाँ से यहाँ चलते हैं, माइनस 3 आई 3 एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 11 बाई 5, तो माइनस 3 आई 3 इज 11 बाई 5 माइनस 4, तो माइनस 3 आई 3 इज माइनस 9 बाई 5, आई थ्री आ जाएगा आपका माइनस 9 बाई 15, सॉरी 9 बाई 15 विच इज 3 बाई 5। ठीक है, तो सेल कॉम्बिनेशन से आप किरचॉफ रूल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से, अगर आपको दो तीन बैटरी तीन चार दिख रही हैं, अगर आप उसको पैरेलल में देख रही हैं, तो यू कैन सिंप्लीफाई।